हेलो योर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2079 साल 6/1 में नेपाल में पूछा गया रेडियोग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 डेज रूल इज अप्लाई फॉर, जो 10 डेज रूल होता है वो किस पर अप्लाई किया जाता है। जैसे में इसका सही आंसर होगा वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, आंसर नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर दो, जैसे में एनोड इज मेड अप ऑफ, जो एनोड होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड होता है वो किस से बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन विथ रेहेनियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीन, द प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट इज कॉल्ड, जो प्लेन होता है वो डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में, उसे क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर है सजाइटल प्लेन, जो डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर, द प्लेन डिवाइड बॉडी इंटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इज कॉल्ड, जो ये फिर से क्वेश्चन नंबर तीन का ही तरह है, जो डिवाइड करता है इंटीरियर पोस्टीरियर, इसे क्या कहते हैं। तो कुरनल इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई व्यू इज परफॉर्म्ड इन, जैसे में वाई व्यू होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका रेड जो बोन है उसका नाम है स्कापुला, स्कापुला के लिए वाई व्यू किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर छ, फल्की फ्रॉम लिगामेंट इज पार्ट ऑफ, जो फल्की फ्रॉम लिगामेंट है वो किसका पार्ट होता है। तो उसका लीवर का पार्ट होता है फल्की फ्रॉम लिगामेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सात, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, जो डिस्टेंस होता है एक्सरे ट्यूब से पेशेंट के रिलेटिव के बीच में या वर्कर के बीच में, वो 6 फीट सेफ डिस्टेंस होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एट, रिब्स बोन इज, जो रिब्स होता है उसे, जो चेस्ट बोन है जो रिब्स, उसे क्या कहा जाता है। तो उसका वो फ्लैट बोन है के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नाइन, कॉमन ऑर्गेन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल, जो कॉमन कौन सा ऑर्गन है जो यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो वो है यूरेथ्रा, आंसर नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टेन, ग्रिड इज यूज्ड बिटवीन, जो ग्रिड होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आंसर नंबर डी, पेशेंट एंड एक्सरे फिल्म, पेशेंट और एक्सरे फिल्म के बीच में ग्रिड यूज होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, जेरेट्रिक पेशेंट डील्स विथ, जेरेट्रिक पेशेंट किसे कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी, ओल्ड एज के पेशेंट के जेरेट्रिक पेशेंट कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, 12 इंडिकेशंस ऑफ एचएसजी का इंडिकेशन, मेन इंडिकेशंस क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो नॉर्मल कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 7.35 to 7.45। उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 14, एटलांटो एक्जियल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, एटलांटो एक्जियल जॉइंट है वो किसका एग्जांपल है। तो पिवट जॉइंट का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच केमिकल इज यूज फॉर गार्डनर इन डेवलपिंग, जो फिल्म का डेवलप किया जाता है उसमें गार्डनर पर कौन सा, तो ग्लूटराडिहाइड यूज किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ओसिफिकेशंस ऑफ बोन, जो बोन होता है वो कितने में ओसिफिकेशन होता है। तो इसका ओसिफिकेशन आंसर नंबर सी, 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज फाउंड ऑन बोन जॉइंट सरफेस, बोन के जो जॉइंट सरफेस होता है उसमें क्या मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, कार्टिलेज एंड हाइलिन, जो बोन सरफेस में मिलता है। इसके बाद में हुई चीज बेस्ट कंट्रास्ट मीडिया, जो कंट्रास्ट होता है
उसमें सबसे बेस्ट कंट्रास्ट कौन है? द नॉन आयोनिक डीमर, जो इसका आंसर होगा ए। इसके बाद में क्वेश्चंस नंबर 19, इंडिकेशंस ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मेन इंडिकेशंस क्या होता है? तो इसका आंसर नंबर है सी, एन्यूरिज्म। उसके बाद में क्वेश्चंस नंबर 20, केवीपी यूज्ड इन चेस्ट एक्सरे, जो ऑप्शन ए है 40 to 50, ऑप्शन बी 65 to 70, हाई के वी पी टेक्निक नॉन। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, हाई के वी पी टेक्निक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।